एक छोटे से गांव में खुशी नाम की बहुत ही गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। वो त्योहारों पर कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा करती थी। इस बार वो दिवाली पर पटाखे बेच रही थी। खुशी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अच्छे और बढ़िया पटाखे खरीद सके। एक दिन की बात है, खुशी अपनी टोकरी में रख कर थोड़े बहुत पटाखे खरीद कर बेच रही थी। उसे सुबह से दोपहर हो जाती है और कोई भी उससे पटाखे खरीदने नहीं आता। ये देख वो उदास हो जाती है। सुबह से दोपहर हो गई और अभी तक एक भी पटाखा नहीं बिका। हे भगवान, अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। जो भी मेरे पास पैसे थे उनसे मैंने ये पटाखे खरीद लिए। खुशी ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक बच्चा खुशी के पटाखों की दुकान देख कर रुक जाता है और अपनी माँ से पटाखे खरीदने की जिद करने लगता है। अपने बच्चे की जिद की वजह से वो औरत खुशी की दुकान के पटाखे देखने लगती है, पर उस औरत को उसकी दुकान का एक भी पटाखा समझ नहीं आता। तुम्हारे पटाखे तो बिल्कुल बेकार और खराब हैं। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे खराब पटाखे। फिर वो औरत अपने बच्चे को लेकर आगे वाली दुकान से पटाखे दिलाने ले जाती है और वो वहाँ से बहुत सारे पटाखे खरीदती है। ये देख खुशी बड़ी उदास होती है। उसका सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पर कोई भी उसकी दुकान से पटाखे खरीदने नहीं आता। सुबह से शाम होने को चली, एक भी पटाखा नहीं बिका। सोचा था कि पटाखे बेचकर कुछ कमाई होगी, पर आज तो एक पैसे की भी कमाई नहीं हुई। अब रात को मैं क्या खाऊंगी? जो भी पैसे थे उनसे मैंने पटाखे खरीद लिए, अब तो मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे। ये सब सोचते हुए खुशी उदास हो जाती है और जब शाम होती है तो वो अपने पटाखे की टोकरी उठाती है और अपने घर के लिए चल देती है और घर जाकर वो पानी पीकर सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह होते ही वो जल्दी उठ जाती है और जल्दी जल्दी अपना घर का काम करके पटाखे बेचने के लिए निकल जाती है और चौराहे पर जाकर पटाखे बेचने लगती है। पटाखे ले लो, पटाखे, बढ़िया बढ़िया पटाखे, खुशी बोले जा रही थी, पर कोई भी उसके पटाखे खरीदने नहीं आ रहा था। जो भी उसकी दुकान पर आता तो वो पटाखे खरीदे बिना ही वहाँ से चला जाता। हे भगवान, आज भी एक भी पटाखा नहीं बिका, अब क्या होगा? मैंने सोचा था कि इस बार दिवाली पर पटाखे बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी, पर इसका तो उल्टा ही हो गया। शाम हो जाती है, खुशी अपने पटाखे की टोकरी उठाकर अपने घर पहुंच जाती है और पटाखों को रख कर कुछ सोचने लगती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि लोग मेरे पटाखे खरीदने लगे। उसके लिए मुझे अच्छे और बढ़िया पटाखे खरीदने पड़ेंगे, पर मेरे पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं तो पटाखे खरीदने के लिए कहाँ से आएंगे? क्यों ना मैं साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लूं? पर साहूकार से तो मैं पहले ही इतने पैसे ले चुकी हूँ। ये सब सोचते हुए खुशी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगली सुबह वो जल्दी से अपने घर का काम निपटाकर पटाखे बेचने चली जाती है और जाकर पटाखे बेचने लगती है। पर आज का दिन भी उसका ऐसे ही निकल जाता है तो वो और मायूस हो जाती है और जैसे ही शाम होने वाली होती है तो वो अपने घर की ओर चल देती है। पूरे रास्ते वो यही सब सोचते जा रही थी। हे भगवान, अब क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा जिससे कि मैं कुछ और काम कर सकूं। तभी अचानक से वो ठोकर खाकर गिर जाती है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। वैसे भी मेरे पास थोड़े से ही पटाखे थे और वो भी सारे गिरकर बेकार हो गए, अब क्या होगा? खुशी जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उसी पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी खुशी को रोते हुए देख रही थी। अरे, इसे क्या हुआ और ये इतनी बुरी तरह क्यों रो रही है? अच्छा, ये अपने पटाखों को देखकर रो रही है, लगता है बेचारी बड़ी ही दुखी है। खुशी रोते रोते वहीं पेड़ के नीचे बैठी सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई और फिर कुछ देर बाद उसी पेड़ से उतरकर वो चुड़ैल नीचे आती है और वो बड़े ध्यान से उसको देखने लगती है। मुझे इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में खुशी की नींद भी खुल जाती है। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई, बहुत देर हो गई, अब घर चलना चाहिए। खुशी अपने पटाखे की टोकरी उठाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे उसके साथ उसके घर पहुंच जाती है, जिसका पता उसे भी नहीं था। और फिर घर पहुंचकर पानी पीकर खुशी सो जाती है। और फिर जैसे ही रात होती है तो वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और फिर वो चुड़ैल अपनी मंत्र शक्ति से एक अनार बम बनाती है, जो कि कोई ऐसा वैसा बम नहीं था, एक अनोखा बम था जो आज तक किसी ने नहीं बेचा होगा और ना ही देखा होगा। फिर वो चुड़ैल उस अनार बम को खुशी की टोकरी में रख देती है और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है खुशी जल्दी से उठकर अपने घर का काम करके और जैसे ही वो बाजार जाने के लिए पटाखे की टोकरी उठाती है तो उसकी नजर टोकरी में रखे बड़े से अनार बम पर पड़ती है।
ये क्या चीज है? अरे ये तो अनार बम है, पर ये आया कहाँ से होगा? और वो भी इतना बड़ा, पर ये इतना बड़ा अनार बम कैसे हो सकता है? ये तो कुछ अलग ही है। खुशी की नजर उस अनार बम से हटी नहीं रही थी, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। क्यों ना मैं इस अनार बम को बाजार में जाकर बेच दूं? क्या पता इसे बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएं? यही सोचकर खुशी उस बड़े से अनार बम को बाजार में बेचने चली जाती है। तभी एक आदमी उसकी दुकान के पास से जाते हुए उस अनार बम को देखकर रुक जाता है और उस बड़े से अनार बम को बड़े ध्यान से देखने लगता है। इतना बड़ा अनार बम, आज से पहले तो मैंने ऐसा अनार बम कभी नहीं देखा। वाकई में ये बड़ा सा अनार बम बिल्कुल अलग है। ये सुनकर खुशी बड़ी खुश होती है। हाँ बाबूजी, ये अनार बम बिल्कुल अलग है, क्या आप इसे खरीदेंगे? उस आदमी की नज़र उस बड़े से अनार बम से हटी नहीं रही थी और वो उसे खरीद लेता है और उसे उसके अच्छे दाम भी देता है। ये देख खुशी बड़ी खुश होती है। जब वो आदमी अपने घर जाकर उस बड़े से अनार बम को जलाता है तो उसमें से बहुत सारी तेज रोशनियां निकल रही थी और साथ में उसमें से गाने की मधुर आवाज भी आ रही थी। ये देख उस आदमी के परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। उधर खुशी पूरे रास्ते खुश होती हुई अपने घर जा रही थी। चलो अच्छा है, कम से कम आज कुछ तो कमाई हुई। और फिर घर पहुंचते ही खुशी आज के कमाए हुए पैसों से अपने लिए खाना खरीद कर खाती है। आज कितने दिनों बाद कुछ थोड़ा खाने के लिए मिला है, काश ऐसे ही अनार बम मुझे और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कुछ ही देर में रात होने वाली होती है तो वो सो जाती है। खुशी के सोते ही वो चुड़ैल आ जाती है। चलो इस लड़की के चेहरे पर कुछ तो खुशी दिखी, मुझे आज भी इसे एक और अनार बम देना चाहिए। फिर वो चुड़ैल अपनी मंत्र शक्ति से एक अनार बम बनाती है और वो अनार बम देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। इसे तो पता भी नहीं कि ये अनार बम क्या करेगा, इससे रातों रात इसकी जिंदगी बदल जाएगी। और फिर अगली सुबह जब खुशी उस अनार बम को देखती है तो देखती रह जाती है। एक और अनार बम, वो भी पहले जैसा बड़ा, ये तो कमाल हो गया, काश आज भी कोई इसे खरीद ले। ये कहकर खुशी उस बड़े से अनार बम को टोकरी में रख कर बाजार चली जाती है और उस अनार बम को बेचने लगती है। तभी उधर से जाती हुई एक औरत उस बड़े से अनार बम को देखती है तो रुक जाती है। कितना बड़ा अनार बम है और दिखने में भी कितना अलग लग रहा है, मैंने तो ऐसा अनार बम कहीं नहीं देखा। फिर वो औरत खुशी से वो अनार बम खरीद लेती है और उसे उसके अच्छे दाम देती है, जिसे देखकर खुशी बड़ी ही खुश होती है। और जैसे ही शाम होने वाली होती है तो खुशी अपने घर चली जाती है। आज भी जब चुड़ैल खुशी को देखती है तो उसे बड़ी खुशी होती है। चलो अच्छा है, कम से कम इसके चेहरे पर खुशी तो आई। और फिर जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल अपनी मंत्र शक्ति से एक और बड़ा अनार बम बना देती, जिसे खुशी उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी थी। खुशी के बड़े से अनार बम की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो हर कोई खुशी से उसका बड़ा अनार बम खरीदना चाहता था। जो भी लोग उससे अनार बम खरीद कर ले गए थे वही उससे दोबारा अनार बम खरीदने आते हैं। मुझे वही अनार बम चाहिए जो कल आपने मुझे दिया था, वो अनार बम तो बड़ा ही कमाल का है और अच्छा भी। मुझे वो अनार बम जल्दी से दीजिए, मैं आज के बाद आपके अनार बम के अलावा और कोई पटाखे नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आपका अनार बम बिल्कुल अलग है और उससे बच्चों को कोई खतरा भी नहीं है और ना ही उससे प्रदूषण फैलता है। पर वो तो मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया। खुशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रात ही रात में उसके पास बड़ा सा अनार बम कहां से आ जाता है, तो वो एक रात छुप कर बैठ जाती है और देखने लगती है। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और अपनी मंत्र शक्ति से बहुत सारे बड़े से अनार बम बनाने लगती है। ये देख खुशी चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाती है और चुड़ैल भी उसे ऐसा करते देख लेती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। डरो नहीं, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, जिसे मेरी मदद की जरूरत होती है मैं उसकी मदद करती हूँ। अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। और फिर जब अगले दिन दिवाली होती है तो चुड़ैल के बड़े अनार बम से पूरा गांव रोशनी और फूलों की बरसात से नहा जाता है।